भाई आप लोगों के सामने आ चुकी है एक वाइट कलर की एलेंट्रा 2017 मॉडल टॉप मॉडल, बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ से। तो बहुत ही प्यारे अलॉय व्हील्स लग रहे हैं, एकदम साफ क्लैरिटी के अलॉय व्हील्स हैं इसमें। ये तो इसकी नॉर्मल जो होती है लाइट्स, और अब ब्रेक लाइट दिखाते हैं, ब्रेक मारते हैं। तो ये आगे आपकी बैक गियर की लाइट ब्रेक मारी है, और ये आगे ब्रेक ब्रेक के बाद तो भाई देख सकते हैं प्रॉपर का। ये लग रहा है अपना वर्ल्डटेक का मोनो, इसमें देख सकते हैं आप लोग वर्ल्डटेक मोनो स्टाइल। तो भाई सबने, और कैसे आप लोग, पिछली वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, और जल्दी जल्दी जाके यार सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो पहले। और नई नई चीज़ ला रहे हैं एकदम सेक्सी सेक्सी सी। तो आज भी पीछे गाड़ी अपने बीस्ट वाइट कलर की एकदम, तो पहले कैप्चर करवाते हैं फिर सिनेमैटिक दिखाएंगे, सिनेमैटिक एंजॉय करना, फिर उसके बाद डिटेल बताएंगे कि भाई क्या क्या लग रहा है। तो बहुत ही प्यारी कर रखी है भाई ने, और चलते हैं सीधे गाड़ी पर आते हैं। तो भाई आप लोगों के सामने आ चुकी है एक वाइट कलर की एलेंट्रा 2017 मॉडल टॉप मॉडल, बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ से देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे। तो अभी इसके सिनेमैटिक दिखाएंगे आप लोगों को पहले, फिर उसके बाद इसकी डिटेल में बताएंगे भाई क्या क्या काम करवा रखा है भाई ने। और बकायदा मतलब स्क्रैचलेस कहते हैं ना, बिल्कुल कंडीशन 2017 डीजल, आप जान सकते हो कितनी पुरानी है, पीछे खड़ी है मेरे। तो अभी सिनेमैटिक दिखाते हैं फिर डिटेल बताएंगे पूरी एक एक करके। कैसे लगे बताना, और अपनी बीस्ट कैसी लग रही है पहले बताना। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चलते हैं भाई अपनी फेवरेट चीज पे, क्या भाई एलॉय व्हील्स। तो यहाँ की गाड़ी में जितने भी वीडियो देखोगे सब में एलॉय व्हील्स जरूर मिलेंगे भाई। तो बहुत ही प्यारे एलॉय व्हील्स लग रहे हैं, एकदम साफ क्लैरिटी के एलॉय व्हील्स हैं इसमें। 5 बोल्ट के आते हैं एलेंट्रा में, और भाई 18 इंच एलॉय है। प्रोफाइल साइज बता दे रहा हूँ मैं कितना है भाई, 225/45R18। तो 225/45R18, 45 प्रोफाइल, 225 चौड़ाई हो गई, और R18 इसका इंच मतलब 18 इंच का एलॉय है, बहुत प्यारा। तो देख सकते हैं आप लोग, 5 स्टार कहते हैं इसे। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, गाड़ी पे सूट कर रहा है, वाइट कलर की गाड़ी है भाई। स्क्रैचलेस आप लोगों ने सिनेमैटिक में देख चुके होंगे कि एक भी स्क्रैच नहीं गाड़ी पे भाई। और साइड के मतलब पहले हम एलॉय कंप्लीट कर लेते हैं कि भाई कितने के बड़े थे, हैंड टू हैंड रेट भी बताते जाएंगे, और एक अप्रोक्स बता देंगे भाई, मतलब लास्ट में बताएंगे सॉरी रेट आपको, जैसा हम हर बार बताते हैं। तो भाई साइड व्यू कैसा लग रहा है बताना कमेंट सेक्शन में। और भाई दूसरी चीज़ चलते हैं, अपनी फेवरेट चीज़ एलॉय व्हील्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, हम रेट बताएंगे बाद में। 18 इंच के एलॉय व्हील्स है, आपको प्रोफाइल बता दी मैंने, 225/45R18। और भाई काड़े सीट जरूरी है जिंदगी में, देख सकते हो जेड ब्लैक भाई, तो इसकी बिना भाई लुक नहीं बनती। और व्हाइट और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट वो लोग जानते हैं जो गाड़ी का शौकीन होते हैं, और व्हाइट और ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही प्यारा लगता है जब व्हाइट गाड़ी पे ब्लैक शीशे हो जाते हैं। तो साइड लुक देख सकते हो। अब चलते हैं भाई पहले जो मेरा फेवरेट पार्ट जो इस गाड़ी में लग रहा है, रियर। फ्रंट आपको बाद में देखेंगे, पहले रियर पे चलते हैं भाई। तो भाई देख सकते हो भाई एलेंट्रा की आफ्टर मार्केट लाइट्स, ओ भाई मतलब बहुत ही सेक्सी लाइट्स लग रही हैं। तो देख सकते हो आप लोग पूरा बिल्कुल नई लाइट पड़वाई थी भाई ने। इसका ये प्राइस लास्ट में बताएंगे आपको, पास से देखो जाके। और इसका अभी बैक गियर भी चला के दिखाते हैं, सब चीज़ चला के दिखाएंगे साथ। ये तो इसकी नॉर्मल जो होती हैं लाइट्स, और अब ब्रेक लाइट दिखाते हैं, ब्रेक मार। तो ये आ गई आपकी बैक गियर की लाइट ब्रेक मारी है, और ये आ गई ब्रेक ब्रेक के बाद। तो भाई देख सकते हैं प्रॉपर कितनी प्यारी, मतलब कहते हैं ना अल्टीमेट लग रही है एकदम, और ये बैक गियर के साथ टोटल, और भाई बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोनों भाई। अभी नई पढ़वाई थी भाई ने, रेट करेंगे लास्ट में, तो इसलिए व्लॉग में बने रहो, कहीं मत जाओ, जाए कर लो पीके व्लॉग्स को सब्सक्राइब। तो बताना रियर व्यू कैसा लगा भाई, पर्सनली मेरे को सबसे ज़्यादा गाड़ी में रियर व्यू और एलॉय बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अब चलते हैं भाई फ्रंट पे, बैक की बात हो गई, साइड की बात हो गई, अब चलते हैं फ्रंट पे।
तो भाई फ्रंट में एलेंट्रा में क्या था, टॉप मॉडल है जैसे मैंने बता दिया आपको, और टॉप मॉडल में लाइट आती है आपकी। भाई भाई ने जो भी है कुछ नहीं छड़ा रखा, पर भाई की लाइट नहीं लगी थी क्योंकि भाई एक बार टूट टाट गई थी। तो भाई देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। टॉप मॉडल में DRL भी आते हैं, अपना प्रोजेक्टर आते हैं येलो, और अपना नीचे फॉग लैंप रखते हैं बाकायदा पीले बल्ब जैसे कहते हैं। तो भाई फ्रंट का लुक ऐसा है, कुछ देख सकते हैं आप लोग। भाई ने फ्रंट भी टिंटेड करा रखी है, एक होती है ब्लैक, एक होती है ब्लू स्टोन में जो होती है, तो ब्लू स्टोन में टिंटेड हो रही है। अभी धूप नहीं पड़ रही इस पर, दिखाऊंगा अभी दूसरी साइड से, रुक जाओ। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ से दिख रही होगी आपको, अगर ये ब्लैक होता तो ऐसा नहीं दिखता, ये नीला दिख रहा है इस टाइम पे। तो ये फर्क होता है, दो तीन तरह की टिंटेड आती हैं जो फ्रंट ग्लास में आती हैं। अपना ग्रीन भी आती है इसमें, एक पर्पल टोन में भी आती है, ब्लू स्टोन में भी आती है। तो ये ब्लू स्टोन में तो बहुत ही प्यारी लग रही है, सेक्सी। अब चलते हैं भाई तीसरी चीज़, चौथी चीज़ पे, सिस्टम पर। भाई तो अंदर क्या क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है, इंटीरियर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो अंदर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अंदर आ चुके हैं। अंदर आप लोग देख सकते हो पहले क्या मिलता है। भाई स्टेयरिंग में पूरे अपने कंट्रोल मिलते हैं क्योंकि भाई टॉप मॉडल है, ए टू जेड मिलेगा, वॉल्यूम म्यूट वगैरह सब चीज़, क्रूज कंट्रोल भी है भाई, और इसमें 50 पे और 40 पे क्रूज लग जाता है। तो भाई इलीगल वेपन है भाई। तो भाई स्टॉक लग रहा है, पायनियर के आगे स्पीकर लग रहे हैं। पहले आप साउंड सुनो, फिर आपको डिटेल में बताएंगे क्या क्या लग रहा है गाड़ी में। कर दो तो भाई बताना सिस्टम कैसा लग रहा है। और भाई ने ज्यादा हार्ड मतलब ज्यादा कर रखा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, पर ऐसा भाई गाड़ी में बढ़िया एकदम बज रहा है एकदम, अंदर सुनोगे तो। और पायनियर के लग रहे हैं आपके जो वो ट्विटर लगते हैं बड़े वाले, TS21 कहते हैं ना, जो फ्रंट पे लग रहे हैं। और भाई पायनियर के कंपोनेंट लग रहे हैं इसके, और इनके ट्विटर इसमें ऊपर फिट हैं। और पीछे मैं आपको लेकर चलता हूँ, पायनियर के कंपोनेंट हो गए, पायनियर के TS20 हो गए भाई, और कोई डिस्प्ले नहीं है। स्टॉक पे जो कहते हैं ना, स्टॉक पे जो आउटपुट आता है वो स्टॉक का ही होता है। तो अब पीछे की साइड चलते हैं। तो भाई पीछे आपका अभी कंपोनेंट लग रहे हैं पायनियर के, और उसके ट्विटर यहाँ पे फिक्स करा रखे हैं, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग से, मतलब यहाँ पे आता नहीं है, और इन्हें कटआउट करके बड़ी प्यारी तरीके से लगवा रखा है। और ऐसे दोनों साइड लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इंटीरियर की बात करूँ, इंटीरियर को ज़्यादा हो नहीं रहा, ब्लैक करा रखा भाई ने, ब्लैदर सीट कवर है, देख सकते हो आप लोग। और बहुत ही प्यारी अंदर से फिनिशिंग आ रही, ब्लैक और व्हाइट के जैसे कहते हैं ना कॉम्बिनेशन भाई। तो भाई यही चीज़ है भाई। पीछे बेस ट्यूब दिखा देते हैं आपको, बेस ट्यूब कौन सी लग रही है। तो भाई इन्फिनिटी की बेस ट्यूब लग रही है पीछे, और पेटी के साथ बनवा रखी भाई ने, ज़्यादा हैवी पार्ट की नहीं है, पर अपना नॉर्मल जैसा इंसान सुनना चाहता ना, बहुत अच्छा बेस है अपना लाइट। और बताना हमारी एलेंट्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। और अपना यही था छोटा सा सेटअप, और गाड़ी बहुत प्यारी थी इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर करी। कोई भी चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। ये लग रहा है अपना वर्ल्डटेक का मोनो, इसमें देख सकते हो आप लोग, वर्ल्डटेक वुमेन स्टाइल। तो भाई भाई ने बेस कम कर रखी है अभी, और क्योंकि फैमिली की वजह से एकदम बढ़िया एम्प है, देख सकती है पूरा मैक्स पावर 82 वाट। तो भाई बताना अपनी एलेंट्रा कैसी लग रही है, एक बार मैं रियर व्यू और दिखा दे रहा हूँ दोबारा, क्योंकि भाई भाई का फेवरेट है। तो बताना कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में, और ऐसे छोटे छोटे व्लॉग लाते रहते हैं इसलिए चैनल को लो जाकर सब्सक्राइब, और पिछला व्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट सेक्शन में। इंस्टाग्राम पर जाकर लो फॉलो, प्रशांत बंडल से यहाँ पे ऐड करके आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।
अपनी प्यारी सी एलेंट्रा कैसी लगी बताना। और भाई पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है, कोई ज़्यादा ओवर काम नहीं हो रहा, कहते ना ओवर मॉडिफिकेशन भी ज़्यादा अच्छी लगती, तो सिंपल हो रही एकदम। तो जाके ऐसा करके थम्स अप का बटन आ रहा होगा, लाइक कर लो, सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के और नई वीडियो के साथ।